आमजनों के लिए लोकार्पित किया गया नैरोगेज इंजन आईएएस यादव ने दी बोगी। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने लगाया इंजन, वहीं कलेक्टर ने फीता काटकर पूजन अर्चन कर विधिवत लोकार्पण किया। कलेक्टर मिश्रा ने फीता काटकर धरोहर जंक्शन को आमजनों के लिए समर्पित किया। वहीं नैरोगेज इंजन की भी विधिवत पूजा अर्चना का लोकार्पण किया गया। इस दौरान संग्रहालय अध्यक्ष डॉक्टर वीरेन्द्र सिंह गहरवार, संग्रहालय की पूरी टीम, पुरातत्व पर्यटनविद, पर्यटन प्रबंधक एम के यादव सहित विभिन्न जिलों से पधारे साहित्यकार उपस्थित रहे। लोकार्पण के कार्यक्रम में राष्ट्रीय साहित्य पुरातत्व का 22वां अनुष्ठान 3 चरणों में संपन्न कराया गया। इस दौरान विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का विमोचन, विचार व काव्य गोष्ठी और साहित्यकारों का सम्मान हुआ। बालाघाट शहर के पुरातत्व शोध संग्रहालय में बनाए गए धरोहर जंक्शन का शनिवार को कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के हाथों से लोकार्पण हुआ। अपने उद्बोधन में कलेक्टर ने पुरातत्व टीम के कार्यों की प्रशंसा करते हुए शुभकामनाएं दी। वहीं कहा कि कुछ दिन पूर्व भी सीएम साहब के कार्यक्रम में पूर्व कलेक्टर भरत यादव भी बालाघाट पहुंचे थे। तब हमने उनको बताया कि आपने रेलवे बोगी दी थी, हमने उसमें इंजन लगा दिया। कलेक्टर मिश्रा ने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा कि 4 से 5 कलेक्टरों ने रेलवे इंजन और बोगी लाने को लेकर जानकारी पूछ चुके थे। वे भी रेलवे से प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। बालाघाट ने कैसे बोगी और इंजन लाकर स्थापित करवा लिया है? इतिहास एवं पुरातत्व शोध संस्थान संग्रहालय में आयोजित हमारा जो लोकोमोटिव डीजल इंजन का लोकार्पण कार्यक्रम है, इसमें हमारे दूर दराज से पधारे हुए सभी, इस संस्थान से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ नागरिकों, दूर दराज से आए हुए सभी कवि संगोष्ठी, मेरा मानना है कि पिछले 4-5 महीनों में काफी अथक प्रयत्न करके लगातार आप जो है संग्रहालय की दिशा और दशा को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। निश्चित तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था तो पुराने कलेक्टर साहब भी आए थे, भरत यादव साहब, हमने उनको बताया कि सर आपने बोगी दी थी और हम लोगों ने इसमें इंजन लगा दिया, तो बहुत प्रसन्नता उन्होंने व्यक्त की कि हाँ धीरे धीरे जन सहयोग से हम लोगों ने उस समय बोगी लाया था। पर मुझे ये कहते हुए खुशी है कि लगभग 4-5 कलेक्टर्स अलग अलग जिलों के इसके बारे में क्वेरी कर चुके हैं कि आप लोगों ने रेलवे से किस तरह से बोगी और इंजन अधिग्रहण किया। हम लोग लगातार टाई अप कर रहे हैं पर हमें समस्याएं हो रही, पर बालाघाट में एक अच्छा छोटा रेलवे स्टेशन लोगों के नॉलेज के लिए, बच्चों की जागरूकता के लिए, और हो सकता है आगे आने वाली जनरेशन नैरो गेज देखे ही ना, तो ऐसे ही जगहों पे बच्चों को मुझे लग रहा है कि नैरो गेज देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पे पूरी टीम बधाई की पात्र है। आप लोगों ने, मैं रेलवे के जो भी हमारे अधिकारी साथी जिन्होंने सहयोग किया है उनका भी इस मंच के माध्यम से सहयोग धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ उनके सहयोग से। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।